रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को ऑफलाइन करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर इन सेवाओं के ठीक से काम नहीं करने से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने सोमवार से जरूरतमंदों को 100-100 गज के बीपीएल प्लॉट देने की योजना की घोषणा की है। इस जन कल्याणकारी योजना पर सरकार का पूरा फोकस है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। बैठक में भाजपा के प्रदेश में गिरते ग्राफ के कारणों की समीक्षा की गई। जिन मुद्दों के कारण ग्राफ गिरा उनकी पहचान कर समाधान निकालने का निर्णय लिया गया। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। क्या कुछ निर्णय लिए गए? अभी समय है चुनाव आने का, किस तरह से इसको तैयारियों में जुटे? देखो, सभी विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग के अंदर ये सभी विधायकों से बात की गई कि भाई चुनाव के अंदर क्या क्या समस्याएं आप लोगों को वहाँ आई, जिसकी वजह से थोड़ा ग्राफ गिरा है, तो उसके बारे में चर्चा हुई ताकि हम इनको सुधार कर सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो जो भी समस्याएं हर विधायक ने बताई उस पर चर्चा हुई और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इन पर हम गौर करेंगे, उनका सुधार करेंगे। किस तरीके की समस्याएं डॉक्टर साहब अधिकतर देखने में आई हैं, क्या वजह रही है इसकी? देखो, एक तो जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी आईडी का है जी, आपका फैमिली आईडी का है, और ये जो गांव में जैसे बीपीएल कट गए, बीपीएल कार्ड कट गए, ये समस्याएं हैं, और ये समस्याएं पोर्टल पे ठीक नहीं हो रही, इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा रोष है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों ने अनुरोध किया कि इसको या तो इसका कोई तरीका ढूंढा जाए, नहीं इसको ऑफलाइन किया जाए ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। तो लगता है कि ऑफलाइन का कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस पर मैं विचार करूँगा। उसके बाद और दूसरी जैसे अभी कल आपको एक हैप्पी योजना के तहत लोगों को लाभ देने का काम किया, कल मंडे को प्रदेश के अंदर बीपीएल प्लाट कार्ड दिए जाएंगे जी। जैसे जो भी जरूरतमंद है, बीपीएल में भी हो सकता है, एससी समाज का हो सकता है, उनको भी 100-100 गज के प्लाट हम देंगे और उनकी जो भी रजिस्ट्री वगैरह है उनको हैंड ओवर करेंगे। तो मेरी भी जो ड्यूटी है वो झज्जर जाऊँगा जी, और इसी तरह हर एक 2-3 जिले इकट्ठे कर करके और हर मंत्री बन जाएगा और इस तरह के प्रोग्राम होंगे और बीपीएल कार्ड के लोगों को जिनको जरूरत है उनको दिए। उसे आपके पास पीडब्ल्यूडी महकमा भी है, सड़कों की भी बात कर ले, लगातार इसकी भी बैठक हो, तो क्या कुछ निर्णय इसमें भी लिया गया? देखो, सड़कों का उससे पहले भी हम लगातार अधिकारी मीटिंग लेते रहे और उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि भाई जो ही आचार संहिता खत्म हो उनके टेंडर लगा दिए जाएँ और जिनके टेंडर लग रहे थे उनका वर्कलोड कर करके और उनका काम शुरू किया जाए ताकि काम तेज़ी से हो और बरसात आने से पहले ज़्यादातर काम हम ख़त्म कर सकें। और जो भी सड़कों के पैचिंग वगैरह थे उनको भी अब हमने आदेश दिए थे तो काफ़ी काम हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट हमने लेनी है कि कितना हुआ है, कोई बस तो नहीं गए, अगर कोई बचे हैं तो हम उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने लापरवाही बरती है। जो बच्चे बढ़े एक सरकार की बात कर रहे हैं, लगातार अस्थिरता की बात कर रहे हैं, एक तो प्रदेश सरकार की भी कह रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, यही लगता है आपको चुनाव समय से पहले हो सकता है? देखो, सरकार में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुमत है आज भी हमारे पास और चुनाव समय पर ही हुए, समय से पहले चुनाव नहीं। अच्छा, एक कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है, तो किस नज़रिए से देख रहे हो? देखो, उत्साह बढ़ाने के लिए अच्छी बात है, हर पार्टी करती है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो तो ग्राउंड पर बता दे रहे हैं कितना वो अचीव कर पाते हैं। और आज कांग्रेस के अंदर चलो ठीक है, उन्होंने 5 सीट जीत ली, लेकिन आज भी कांग्रेस में एकता नहीं है, ना उनमें आपस में मिलाप है, आज भी उनके मतलब विरोधाभास ही हैं, आपस में एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। तो एकता जब तक पार्टी नहीं हो, संगठन जब तक नहीं बनेगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई पार्टी सक्सेस हो सकती।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।